तो हम बारी बारी ना सब लोग इंट्रोडक्शन आप ज़रा करवाएं अपना, ताकि ना अब मुझे भी पता चले कि कौन लोग मौजूद हैं क्लास में और वो किस बैकग्राउंड से हैं, और आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले आपके बारे में ना, तो एक दूसरे को ताकि जान सकें। तो जल्दी से ना हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दानी अब्बासी लिखा हुआ रहा है नाम, तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके ना ज़रा अपने बारे में बताते जाएँ जल्दी जल्दी। अलैकुम सर। वालेकुम असलाम सर जी दानिश, क्या करते हैं आप? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान हूँ और मैं भी दरअसल में कोर्स करता भी हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छा और वेल एंड इसके अलावा मैं अभी और भी कोर्स के द्वारा कर रहा हूँ। अच्छा, वाह यार बहुत अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद है इमार सफदर, अच्छा ये जो लिस्ट आ रही है ना नाम सीधी, ये सब लोग रेडी हो जाएं, इसके बाद हानिया का नंबर है। अच्छा जी ईमान, सर मैं बैरिया यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएस कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है आपका, और उसके अलावा क्या आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन है या स्टडीज़ अभी चल रही हैं आपकी सर? स्टूडेंट अच्छा वेल डन। अच्छा जी हानिया, अस्सलाम वालेकुम सर, माय वालेकुम नेम इज़ असलम, हानिया, मैं टीचिंग करती हूँ क्या पढ़ाती हैं और हानिया? ये अभी तो SST और साइंस सब्जेक्ट क्लियर पढ़ाना शुरू करें, टीचिंग स्टार्ट करी है कर। अच्छा नहीं मतलब स्कूल में है या कॉलेज में है या कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाती हैं? नो स्कूल अच्छा स्कूल में आप साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा तो हानिया क्या आपका बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का? नो सर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, अभी स्टार्ट ही करा है बिल्कुल। अच्छा ज़बरदस्त, इंशाल्लाह मिलके करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। हमायों का नंबर है उसके बाद, हमायों जी बताएं ज़रा अपने बारे में कुछ। हमायों यासीन, अच्छा इनके पास माइक मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख के अपना इंट्रोडक्शन ना चैट में ना यहाँ पे लिख के भी आप बता सकते हैं। अच्छा कामरान जब्बार है उसके बाद, कामरान प्लीज़ अपना माइक ओपन करके ज़रा बताइएगा अपने बारे में। अच्छा कामरान शायद मौजूद नहीं है, अच्छा उसके बाद है मोहम्मद अदनान, अदनान क्या आप मौजूद हैं जी सर, बिल्कुल मौजूद हूँ, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अदनान अपना इंट्रोडक्शन ज़रा करवाइएगा, सब लोगों को बताएं आप कौन हैं क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। जी सर मैं स्टडी वगैरह तो मैंने 2005 में अपनी फिनिश कर ली थी, और मैं पर्सनली जो इस वक्त है अपना बिज़नेस कर रहा हूँ रिगार्डिंग मीडिया, और जो है डिजिटल की तरफ मैं कन्वर्ट हुआ हूँ 2019 से। तो अब जाके मैंने जब इसकी इम्पोर्टेंस चेक करी और रिव्यूज़ लिए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो दोबारा स्टडी स्टार्ट की आप लोगों के थ्रू। अच्छा तो अपने ज़रा बिज़नेस के बारे में भी बताएं कि क्या बिज़नेस है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं आप, सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट है? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है पास सारा वो मीडिया है, कोर मीडिया, क्लाइंट की कैंपेंस बनाना मेंटेन करना। कोर मीडिया से मुराद ये है टीवी चैनल रेडियो केबल, जो एक बेसिक फॉर्मेट है। डिजिटल की तरफ तो पेंडुलम शिफ्ट हुआ, आपको पता है 2016-17 से इस तरफ आना बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, जिस वजह से मैंने खुद को यहाँ शिफ्ट किया है, लेकिन आफ्टर ऑल अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं चैटबॉट की तरफ आया हूँ। जी अदनान बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए सीखना सिखाना तो चलता रहता है, जी मैं सर खुद हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, सम टाइम अभी आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखूँगा इस क्लास में, मैं हर क्लास में ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको सिखाऊँ, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूँगा, तो मैं चलते फिरते रास्ते चलते हुए लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो सीखना सिखाना जो है वो आपके मरते दम तक चलता रहता है और चलते रहना चाहिए, अगर किसी बिल्कुल पॉइंट पे सही, आपका सीखना सीखना बंद कर दिया आपने तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है फिर, तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की आपने अदनान। थैंक यू। अच्छा मोहम्मद बिलाल हैं उसके बाद, बिलाल ज़रा बताएं अपने बारे में, हैं बिलाल मौजूद हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताएं ज़रा सब लोगों को क्या करते हैं आप? सर रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, और इसके अलावा ये कि मैं अकाउंटेंट का एक कंपनी में बात करता हूँ,
और ये कि मैं पार्ट टाइम एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट पे एक फ्रेंड है, उनका सॉफ्टवेयर हाउस है ना, तो उनके साथ मैं ये 2 से 3 घंटे इनके साथ काम भी कर रहा हूँ, काम सीख भी रहा हूँ। तो उसके बाद ही मुझे ये तमाम चीज़ों का आइडिया हुआ और फिर मैं अच्छी तरह मैं चैटबॉट पे इन्वॉल्व हुआ हूँ कि इसकी टेक्नोलॉजी को मैंने देखा है और दोस्तों ने भी काफ़ी बताया कि वो वर्क भी कर रहे हैं इस पर जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव को, उसके अलावा पी एच पी के डेवलप, तो वहाँ से मुझे नॉलेज भी मिली साथ साथ और ये है कि टाइम भी अच्छे स्पेंड हो रहा है, मतलब वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं चैटबॉट पे ज़्यादा इंटरेस्ट आया हूँ। सही। अभी जो आपकी करंट जॉब है बिलाल, वो अकाउंट्स की जॉब है? जी जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बिलाल, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी, उसके बाद है मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम यहाँ पे पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा, जी ओ ए, जी नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, वो यूट्यूब चैनल है ना मेरा, तो उस वजह से। अच्छा, मोहम्मद सुफियान आपका नाम है? जी मोहम्मद सुफियान नाम। अच्छा, जरा बताएं सुफियान अपने बारे में, माशाल्लाह चैनल भी रन करते हैं आप यूट्यूब का, गुड, ज़बरदस्त। जी पहले रन करता था, अभी छोड़ दिया है। अच्छा, अभी मैं इंटर करके फारिग हुआ हूँ, अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ और फिर आपके कोर्स का पता चला है AI चैटबॉट का, तो फिर इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो इसमें एडमिशन लिया। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। अभी आप मतलब कोई जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे आप अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा, अभी सीख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हैं साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, मोहम्मद इदरीस उसके बाद है। जी मोहम्मद इदरीस, ज़रा बताएं अपने बारे में। मोहम्मद सर, मैं रिएक्ट पढ़ रहा हूँ, HTML CSS JavaScript का कोर्स कंप्लीट किया है, माइक डिसमिस। ओके, अच्छा मोहम्मद रज़ा उसके बाद है, मोहम्मद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद रज़ा, ज़रा बताएं अपने बारे में। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो BS मैकेट्रॉनिक्स में 2019 में कंप्लीट की थी, अभी जो है मैं वो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैकेट्रॉनिक्स की ही जॉब है आपकी? जी जी। अच्छा, कुकिंग ऑयल के प्लांट पर हूँ, वहाँ पर जो है क्वालिटी भी मेजर कर रहा हूँ और जो है वो प्लांट को भी देख रहा हूँ। अच्छा, ज़रा मैकेट्रॉनिक्स बताएं सब लोगों को क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन सब लोगों को शायद ना पता हो। मैकेट्रॉनिक्स जो है वो मैकेनिकल साइड भी है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो PLC वगैरह भी आ जाती है उसके अंदर और IT साइड से भी इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, प्रोग्रामिंग वगैरह भी जो है उसमें बताई जाती है सारी चीज़ें हैं। मैं ज़रा और आसान अल्फाज में बताऊँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूँ तो, ये मैकेट्रॉनिक्स ना एक तरह के रोबोट होते हैं जो रोबोटिक आर्म से जितने काम हो रहे हैं आजकल, गाड़ियाँ जितनी बनती हैं उसमें वेल्डिंग वगैरह जो होती है वो रोबोटिक आर्म्स कर रहे होते हैं सारे। जैसे इन्होंने जिक्र किया कुकिंग ऑयल में, तो कुकिंग ऑयल का ढक्कन वगैरह लगना और इस तरह के जो लेबल लगाना उसमें चिपकाना, ये सारे काम मोस्ट प्रॉब्ली रोबोटिक आर्म के जरिए होते होंगे, तो ये सारा मैकेट्रॉनिक्स से ताल्लुक है। जी रज़ा, सही काम है ना? प्लांट जो है सर वो PLC बेस्ड ही कंट्रोल है, जो हम जो है वो कंप्यूटर में बैठ के ही इसे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, तो बड़ी अच्छी आपकी फील्ड है और बड़ी अच्छी आपकी पढ़ाई है, होपफुली आपसे भी हम काफ़ी फ़ायदा लेते रहेंगे, मुस्तफ़ीद, आपकी नॉलेज से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे हम। अच्छा, थैंक यू रज़ा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास राफे खत्री। जी राफे, क्या आप मौजूद हैं हमारे साथ? ज़रा अपने बारे में बताएं माइक ऑन करके। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी CS का बैकग्राउंड है मेरा, और मैंने ग्रेजुएशन मैंने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अभी तक मैं डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर ही हूँ। करंटली मैं AWS के स्टैक, मेरा फोकस AWS स्टैक का है, तो अब मैंने सोचा कि एक तरीके से देखा जाए तो चैटबॉट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक ही स्टैक पर काफ़ी देर तक रहना और उसी पर डिपेंडेंट रहना सूटेबल नहीं है। कुछ नई चीज़ें भी सीख ली जाए, जैसे चैटबॉट के बारे में मैंने पढ़ा और उसके फ्यूचर के हवाले से मैंने थोड़ी बहुत स्टडीज़ की, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो कोशिश यही है कि AWS के साथ साथ मैं चैटबॉट की फील्ड का भी एक्सपर्ट बन पाऊँ, और अभी करेंटली मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद राफे खत्री, आपने अपना इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा दिया। अच्छा, तो राफे ने बताया कि वो AWS क्लाउड इंजीनियर हैं असल में वो,
तो क्लाउड की सारी चीज़ें देखते हैं, वेब वेब वगैरह ये देखते हैं। अच्छा, और इन्होंने सोचा कि अभी ये तो कर लिया है, अब कुछ आगे अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है फिर उसी हिसाब से फिर कोई थोड़ा चेंज लाना चाहिए। एक ही चीज़ कर करके बोर हो जाता है बंदा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है ये। अच्छा, रासिब रियाज जी, ज़रा अपने बारे में बताएं रासिब। अच्छा, किसी का भी ना AWS वगैरह का कोई मसला फंसे तो वो राफे से पूछ भी सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ना कि ये कौन सी फील्ड के हैं। अच्छा जी, रासिब रियाज क्या? अच्छा, आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट एडमिशन इन BBA। ओके, रासिब ने अपना यहाँ पे लिख कर भेज दिया है। अच्छा, वेल डन। तो हमारे पास बिजनेस साइड के भी लोग मौजूद हैं, BBA कर रहे हैं रासिब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मौजूद है रोशान अली। रोशान अली, क्या आप मौजूद हैं? अगर आप मौजूद हैं तो माइक खोल के प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सब लोगों को। अच्छा, रोशान गालबन मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शहरयार खान। शहरयार खान, क्या आप मौजूद हैं? अच्छा, शहरयार खान ने लिख के अपना वो इंट्रोडक्शन दिया है। सर, रिसेंटली आई कंप्लीटेड 12th ग्रेड और अब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लूँगा यूनी में, और मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी हुई है सैलानी से, और NFT पर भी काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट हंटिंग, NFTs कलेक्टिंग और प्रॉफिट बनाना NFT से। अच्छा, तो NFT और में इनका थोड़ा एक्सपीरियंस है, और ये वेब डेवलपमेंट भी पहले करते रहे हैं शहरयार खान, तो बहुत अच्छी बात है शहरयार खान, अच्छा काम कर रहे हैं आप। उसके बाद हमारे पास शहजाद उस्मान हैं। शहजाद उस्मान ने भी कुछ लिखा था अभी मैसेज में। जी शहजाद, मौजूद हैं क्या आप? अगर माइक खोल के अपना। जी 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 आवाज़ आ रही है सर? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड है IT की फील्ड से, और करेंटली अभी मैं एज अ बिजनेस डेवलपर हूँ सफेरा। उसके अंदर 2 से 3 साल की एक्सपर्टीज है ऑन पोर्टल्स और कॉलिंग का, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो इसलिए मैंने AI इसलिए सेलेक्ट किया चैटबॉट वाला, क्योंकि मैं अभी जो जॉब सर्च कर रहा था उसके अंदर तकरीबन इस टाइप की जॉब आ रही थी, बट वो AI के थ्रू आ रही थी, आप JavaScript के थ्रू करवा रहे, बट वो उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस आ रहा था जिसका अमाउंट बहुत अच्छा होता है ना, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं तकरीबन साल 6 महीने इस टाइप के तो होते ही। तो अब वो IVR वगैरह के अंदर भी आजकल यूज हो रही है सारी चीज़ें ना, तो उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत अच्छे स्कोप है आगे, तो इस तरह से मैंने ज्वाइन करने का सोचा, और आपका पॉडकास्ट वगैरह भी देखे, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि अगर आगे फील्ड को कंटिन्यू करना है तो इस हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसी का मैं भी स्कोप देख रहा हूँ जैसा आप देख रहे हैं। ये ना, इसमें स्मार्ट IVR जो है वो भी हम थोड़ा सा इसमें कवर करेंगे इस कोर्स में। तो जैसे स्मार्ट IVR में बताता चलूँ सब लोगों को क्या होता है, कि जब आप कॉल मिलाते हैं तो पहले होता था कि 1 प्रेस करें इस मेन्यू के लिए, फिर 2 प्रेस करें। Exactly. तो ये होता है IVR, ये सिंपल IVR होता है, इसमें कोई AI इन्वॉल्व नहीं होती। अब जो नए किस्म के ना, जैसे PayPal का जो सपोर्ट का नंबर है कस्टमर सर्विस का, उस पर अगर आप कॉल लगाएंगे तो वो आपको ये नहीं बोलता कि ये प्रेस करें, वो कहता है कि आप मसला बताएं अपना कि आपको Exactly. क्या करना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा मेरा पैसे विड्रॉ कैसे होंगे, तो मैं उसको अंग्रेज़ी में ये बोलूँगा कि हाउ टू विड्रॉ फ्रॉम PayPal, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे उस मेन्यू में ले जाता है। तो दिस दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड स्मार्ट IVR, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें हम कवर करेंगे। और शहजाद उस्मान, तो बेसिकली शहजाद आपका जो ताल्लुक़ है वो मार्केटिंग साइड से, जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो आपकी अभी जो जॉब है वो मार्केटिंग की जॉब है आप? नहीं 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 सर, मार्केटिंग की नहीं है, ऑन पोर्टल से। जैसे आपने लास्ट अपने एक ओवरव्यू पे दिया था कि आप अपर से आपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे ना, तो ऑन पोर्टल ही है, बार्क हो गया, अपर हो गया, FL हो गया, PPH हो गया, तो उसके ऊपर एक्सपर्टीज है बेसिकली जो है। बाकी लोकल क्लाइंट्स वगैरह के लिए तो वो खुद ही जब इतने टाइम से मार्केट में, तो वो खुद ही अप्रोच कर लेते हैं और उनके साथ डील करते हैं। तो अच्छा, तो और कौन सी है वो कंपनी जिसमें आप अभी हैं, जहाँ पे अभी आप जॉब? रेड राइनोज है, शारा फैसल। अच्छा, रेड राइनोज की कोई कंपनी करके कोई कंपनी है जहाँ पे शहजाद जो है वो बिजनेस डेवलपर है। बिजनेस डेवलपर अभी मुझे याद आ गया कि वो जो डिफरेंट पोर्टल पे
बैठ के और बिड्स करते हैं और क्लाइंट से बात करके और वो प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं उसके कि भाई कितने टाइम में होगा, कितने पैसों में होगा, ये सब फाइनल करते हैं। तो बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो शहजाद का आपको पता चल गया सब लोगों को कि ये अपवर्क के, फाइवर के और इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं ये शहजाद। तो अब जब भी हम करेंगे ना फ्री लांसिंग का, जब भी हम कोर्स करेंगे यहाँ पे, एक फ्री लांसिंग का भी ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ये कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद ना फ्री लांसिंग का भी छोटा सा ये सेशन करें, तो उसमें हम शहजाद उस्मान को मोस्ट प्रॉब्ली ऑन बोर्ड लेंगे। इनसे ज़रा पूछेंगे कि क्या सीक्रेट्स हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं प्रोजेक्ट हेविन करने के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उशना मौजूद हैं, उशना नफीस जी, क्या आप मौजूद हैं? उशना आपके हमारे साथ मौजूद हैं तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अच्छा, उशना शायद मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास है वासे और रहमान। वासे और रहमान क्या आप मौजूद हैं? वासे क्या आप मौजूद हैं? अच्छा, इन्होंने लिख कर अपना इंट्रोडक्शन दिया है और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव डन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड डिड वर्क एज सुपरवाइजर इन गारमेंट्स फर्म, बट नो नाउडेज प्रोजेक्ट हैज़ एंडेड, आई एम सर्चिंग एंड लर्निंग स्किल्स एंड थैंक यू फॉर इनरोलिंग मी। ओके, अच्छा, तो इनका देखो ये जो डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं ना, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वाले, जैसे वासिर रहमान ने बताया कि इनका गारमेंट्स में ये सुपरवाइज़र रह चुके हैं और ये गारमेंट्स की फ़र्म कैसे चलती है वो इनको पता है। तो ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख के ना कोई ज़ाहिर है हम स्टार्टअप ही करेंगे, कोई ना कोई बिज़नेस आप खड़ा करेंगे। शुरू में तो ज़ाहिर है जॉब्स पकड़ेंगे, जूनियर डेवलपर वगैरह टाइप की जॉब्स पकड़ेंगे आप, अपना हाथ साफ़ करेंगे, अपना हाथ आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई नीश आप उठा के और उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप बाइकिया को देखें, जैसे आप करीम को, उबर को देखें, तो बाइकिया या करीम उबर ना सिर्फ एक ऐप का नाम नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है कि ड्राइवर्स को कैसे हायर करना है, फिर ड्राइवर्स के क्या मसले मसाइल होते हैं, वो गाड़ी चलाता है, फिर वो रस्ते में क्या क्या सीन होते हैं, क्या क्या। तो ये अगर आपको मिसाल, एक मिसाल बता रहा हूँ मैं, जैसे रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, वो आए एक दिन, ईद का टाइम चल रहा था, उनके कपड़े नहीं ले रहा था कोई दर्जी, तो वो आए ना ऐसे गुस्से में, मैंने कहा क्या हुआ भाई, कह रहा यार मैं टेलर की ऐप बनाऊंगा, बस हो गया, घर पे आके टेलर कपड़े लेके जाएगा और सिल के ला के देगा। मैंने कहा खैरियत? कह रहा यार कोई कपड़े ही नहीं ले रहा टेलर, वो फुल हो गया। तो मैंने कहा सही है, बनाएंगे। तो जब उनसे मैंने क्वेश्चन किया ना, बैठे हम फिर चाय पे बैठे हुए थे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा यार साइज़ कैसे लोगे, फिर कपड़ा कैसे चूज़ करेगा कस्टमर, तो वो काफ़ी, तो उसने, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, ये तो बड़ा मसला है, हमें इसके अंदर क्या चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट चाहिए। इस पॉइंट पे जब मैंने वो सारी क्वेश्चंस पूछे ना कि अच्छा टेलर नाप कैसे लेगा टेलर, तो उन्होंने कहा हमारा एक राइडर होगा, वो बंदे के घर जाएगा, उसका वो नाप लेकर आ जाएगा। तो मैंने कहा नाप लेने वाला बंदा है, उसको थोड़ा टेलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आम बंदा नाप नहीं ले सकता उस तरह से टेलर के हिसाब से। तो फिर वो एंड पे बात यहाँ पे आई कि हमें एक डोमेन एक्सपर्ट चाहिए इस ऐप को बनाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो इसी तरह अगर कोई ऐसी ऐप बनने जा रही है जो बच्चों के गारमेंट्स के कपड़े वगैरह हैं, अगर ऑर्डर पे सिलने वाले या वो परचेज़ करने वाले या बाय करने वाले, इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म बनता है, तो उस पर हमें वासे जैसे लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, ये डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारे पास काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा, ज़रार ज़िया अब हमारे पास ये लास्ट मौजूद हैं, तो ज़रार काइंडली अपना माइक ओपन करके ज़रा बताइएगा अपने बारे में। जी ज़रार, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ज़रार आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही, अब आ रही है, अब सही आ रही है। अच्छा, तो ये हमने सब लोगों का थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, इंटरव्यू कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा अभी भी वो ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि अक्सा अब्दुल कादिर, अयान मर्चेंट और अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला मुश्ताक, ये सारे लोग
आई थिंक अभी अभी ज्वाइन हुए ये लोग, तो काइंडली आप में से अगर जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं कोई भी अपना माइक ओपन करके अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो वो दे सकता है, फिर हम आगे कुछ देखते हैं आज क्या करना है हमें क्लास में। जी अब्दुल्ला मुश्ताक, क्या आप मौजूद हैं हमारे साथ? अब्दुल रहमान, क्या आप मौजूद हैं हमारे साथ? अक्सा अब्दुल कादिर, जी अक्सा क्या आप मौजूद हैं? जी जी मैं मौजूद हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। ओके ओके। तो सर मैं राइटर हूँ, इसके अलावा मैं पढ़ाई कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन, और एआई चैटबॉट मुझे इसलिए कर रही हूँ, इसलिए सीखना है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आनी चाहिए इंसान को। ये 20th सेंचुरी नहीं है जिसमें आप एक ही इनकम स्ट्रीम रखो, आपके पास अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो इट्स हेल्पफुल, अगर आप एक को छोड़ना चाहो तो दूसरी में चले जाओ, दूसरी को नहीं तो तीसरी को, तो स्किल्स जितनी उतनी कम पड़े। हाँ बहुत अच्छी बात की आपने। तो अक्सर काइंडली बताइएगा कि ये क्रिएटिव राइटर हैं आप, तो कौन से टॉपिक पे लिखती हैं आप, क्या टॉपिक आपके पसंद है आपको लिखने में? मैं फिक्शन किताबें लिखती हूँ, इसके अलावा नॉन फिक्शन किताबें लिखती हूँ, जितनी भी ई बुक्स होती है मैं उन पर काम करती हूँ। अच्छा वेल डन, तो हमारे पास आप तो बड़ा इंटेलेक्चुअल सरमाया है हमारा आज इस क्लास में। तो अच्छा बाय द वे चैट बॉट में भी ना बड़ी अच्छी आपकी बात से मुझे बात याद आ गई, हमें चैट बॉट में कंटेंट राइटर और क्रिएटिव राइटर्स की भी ज़रूरत होती है, और बहुत शदीद ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर बंदे पर का कंटेंट लिखते ना। हाँ वो तो जो चैट बॉट जो बातें कर रहा है वो असल में स्क्रिप्ट होती है, वो पहले से लिखी जाती है। तो मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, उनका मैं अभी नाम भूल गया, मारियाना लिन, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, तो वो मुझे पता नहीं था, वो उनसे हेलो हाय हुई, बात बात हुई, तो मैं उनसे यही डिस्कस कर रहा था बात। मैंने कहा यार इसमें ना बड़ी अहमियत है अच्छे राइटर की, अच्छा कंटेंट राइटर अगर हो, अच्छी स्क्रिप्ट लिखे वो, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जैसा कि आपको पता है एक एक वर्ड जो निकलता है, जैसे टीवी पे बैठ के अगर कोई एक बंदा एक जुमला कहता है वो हज़ारों लाखों लोगों तक वो जुमला पहुँचता है, और कौन सा बंदा उस जुमले को कैसे परसीव करता है, कैसे उसको लेता है वो, और तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी टीवी पे बैठने वाले एंकर पर्सन की, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप मासेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि किसी को वो बुरा ना लग जाए कोई ऐसी बात, किसी ख़ास रेस को, किसी ख़ास रीजन के बंदे को, या किसी ख़ास ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को वो बात आपकी बुरी ना लग जाए। तो बहुत ख्याल करना पड़ता है, और ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं जो इफेक्टिव हो, एक आम फहम लोगों को वो समझ में भी आए, अगर मुश्किल बात करना शुरू कर दें तो वो भी फिर देख नहीं पाते लोग, उसको समझ नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक एक डेवलपर को शायद ये चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगे, तो मे बी इट इज़ बेस्ट कि हमारे पास कॉन्टेंट राइटर ही हो। तो ये उनसे बात डिस्कस हो रही थी तो उन्होंने ना मुझे कार्ड दिया था, उन्होंने जैसे ही मैं मिला ना तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया था अपना, तो फिर उन्होंने ना सामने से बोला कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो बात। जब मैं भी जब लिख रही थी ना सीरी का स्क्रिप्ट, तो मैंने भी ये चीज़ फेस की थी, और वहाँ पे हमारे पास कुछ डेवलपर थे उनको वो समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमने फिर उनको समझाया, तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कार्ड ऐसे पलट के देखा, उस पर लिखा हुआ था वन ऑफ द ओरिजिनल राइटर्स ऑफ सीरी तो मैं एकदम चुप हो गया, मैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा था ना, तो वो पता चला कि वो कंटेंट राइटर है, और सीरी जो है ना ये जो एक तो गूगल के फ़ोन में होता है गूगल असिस्टेंट, एक आईफोन में जो सीरी होता है ना, जैसे मैं बोलूँगा ना व्हाट्स द वेदर, तो ये जो उसने बोला, अच्छा साइलेंट पे है ना इसलिए नहीं बोल रहा, व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली स्मोकी एंड 29 डिग्रीज। अब जब मैं पूछूंगा व्हाट्स द वेदर तो क्या बताना है इसको, कि इसने बोला इट्स स्मोकी एंड 29 डिग्रीज, हालांकि स्क्रीन पे कराची भी लिखा हुआ आ रहा है, और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, रेन के चांसेस भी 10% लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन बोलना क्या है इसमें से, कौन सी ऐसी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोल के बतानी है, तो ये एक सेंस है। और ये जो मारियाना लेना, खैर अब तो वो मूव कर गई, अब वो माइक्रोसॉफ्ट में, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना भी वो अभी काम कर रही है, कोर्टाना के स्क्रिप्ट के ऊपर, कि विंडोज़ का कंप्यूटर जो होता है उसमें कोर्टाना पहले से इंस्टॉल होता है, तो अब जब आप उसको कोर्टाना का बटन दबाते हैं तो जो आप बातचीत शुरू करते हैं तो वो असल में उन्होंने और बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है अकेले का बंदे का काम नहीं होता, सब लोग मिल के करते हैं,
तो वो उसकी राइटर है सीरी की, तो उनसे अक्सर बात होती है। तो ये टॉपिक हमारा चलता है कि क्या चैटबॉट भी मास कम्युनिकेशन में शामिल है। तो अक्सर कॉन्क्लूजन यही होता है कि हाँ, चैटबॉट भी जो है वो मासेस से कम्युनिकेट कर रहा होता है। जाहिर है, हम एक ऐप बना के जब लॉन्च करते हैं तो वेबसाइट की तो बात थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वेबसाइट में तो लिखी हुई चीज़ आ रही होती है, ये वीडियो की सूरत में होती है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चैटबॉट तो लिटरली बात करता है आपसे, और सम टाइम क्योंकि एआई पावर्ड है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहा होता है आपको। वो कोई ऐसा मतलब वेबसाइट से काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। तो हम अक्सर इस बात बारे में बात करते हैं कि यूएस में इसके लिए कोई रेगुलेशन अभी तक मौजूद नहीं है। अब पाकिस्तान में तो हर किसी चीज़ के लिए भी नहीं है, लेकिन यूएस में इसके लिए कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है। तो बहुत जल्दी जो है ना, वो एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो कनेक्टेड है, तो वो लोग बहुत जल्दी इसके बारे में बिल तैयार कर रहे हैं कि यूएस में ना इसकी रेगुलेशन हो, वही रेगुलेशंस जो टीवी के ऊपर होती है वही चैटबॉट्स के ऊपर हो, कि इसमें क्या चीज़ बोली जानी चाहिए, क्या चीज़ बोली नहीं जानी चाहिए। जैसे मूवीज़ बनती है ना, तो उसमें एक आर रेटेड होता है, एक 18+ होता है, एक 13+ होता है, कि भाई बच्चों की जो मूवी होगी वो 13+ रेटिंग उसको मिलेगी। एक इदारा होगा जो उस पूरी मूवी को देखेगा बैठ के, और वो बताएगा कि हाँ यार 13+ के लिए ये सही है मूवी, ओके है। तो इस तरह चैटबॉट्स के लिए भी कोई रेगुलेशन होगी। तो ये इस तरह के कुछ मामलात जो है वो इस वक्त वेस्ट में चल रहे हैं। अच्छा, हम तो काफ़ी पीछे हैं अभी फ़िलहाल। हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम चैटबॉट बनाना सीख जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं सिखा रहा ये टेक्नोलॉजी, मैं सिखा रहा हूँ। उसके अलावा जो जॉब्स भी पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं चैटबॉट डेवलपर की, उनमें से ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट हैं, या तो उन्होंने सेल्फ लर्निंग की हुई है खुद से कहीं से। अच्छा, अयान मर्चेंट ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अयान मर्चेंट, डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम DHS सुफा यूनिवर्सिटी, जस्ट कम्प्लीटेड 4th semester। वेल डन अयान, क्या बात है आपकी। अच्छा, जरार ने भी मैसेज किया, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ 2nd semester फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, जी तो अक्सर आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या चैटबॉट भी मासेस से कम्युनिकेट कर रहा है और इसको रेगुलेट होना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल एक हद तक रेगुलेट होना चाहिए, ताकि इस तरीके के मैसेजेस बनाए जाएं जो गलत चीज को डिलीवर ना करे, जो गलत थॉट को रिली वो ना करे, एक वही चीज हो और एक फैक्ट बेस्ड हो। हाँ, क्योंकि अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ना बच्चों को बड़ा फैसिनेट कर रहा है। वो बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, कि वो बच्चा ना छुप के ना अलेक्सा से पूछ रहा होता है कि 3 times 22 कितना होता है, और वो अपना होमवर्क उससे सॉल्व कर रहा होता है। जैसे अभी मैं इससे भी पूछूंगा ना, हे गूगल व्हाट इज 3 times 22, अगर ये सुन लिया इसने मेरी बात, The answer is 66. ये बता दिया इसने। तो बच्चों को बड़ा फैसिनेट कर रहा है, और घर में क्योंकि पढ़ा हुआ होता है घर पे, तो बच्चे जाहिर है बात करते हैं उससे, और बड़े भी बात करते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, हर रिलीजन के, हर रीजन के लोग होते हैं। तो ये इस बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी हमारी इन फ्यूचर। अच्छा जी, इसकी एक वो भी थी अलेक्सा, एक न्यूज़ भी आई थी 2-3 साल पुरानी है। हाँ, ये है ना, एक बच्चा अपने है ना मैथ्स के सम्स के लिए ना अलेक्सा बहुत इस्तेमाल करता था। हाँ, फिर आखिर में उसकी माँ ने निकाल दिया। वो छुप के वीडियो बनाई होगी अम्मी ने उसके। अच्छा जी, अच्छा तो हम ना 2-4 बातें करते हैं, और यहाँ पे हमने सब लोगों का इंट्रोडक्शन लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑडियंस है, हमारे क्लास में बड़ा अच्छा रहेगा। जी नदीम, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम जी नदीम। जी सर, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मेरा प्रोग्रामिंग का है, लेकिन सर मुझे ना 2 साल हो गए। जी 2 साल हो गए, और जी 2 साल ब्लॉकचेन पर मैं काफ़ी ना इंटरेस्ट रख रहा हूँ, उसके जो कोर्स है ना PII के सर। ठीक है जी, वो भी मतलब रेगुलर उसकी क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन सर ना, जो ये आपने AI का जो आपने कोर्स लॉन्च किया है जी सर, इसमें और इसमें सर हम दोनों फील्ड में हम क्या वर्क कर सकते हैं सर? देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि ये 2 कोर्सेज में अगर आपने इनरोल कर लिया तो क्या आप उसको साथ लेके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोनों, क्योंकि मेरा जो कोर्स है ना, मेरा तरीका ये है कि मैं हर 1-2 क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स देता हूँ, घर से कुछ ना कुछ करने के लिए देता हूँ। तो अगर आप वो करेंगे तो जब ही आप मेरी क्लास में सर्वाइव कर पाएंगे, और जब ही आपको मज़ा भी आएगा मेरे से पढ़ने में। तो अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं दोनों क्लासेस का एक साथ, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जी जी जी
और इसके अलावा सर क्या इसमें हम कोई जॉब प्लेसमेंट, इसकी जॉब प्लेसमेंट होगी इस कोर्स करने जी? जॉब तो इसमें जॉब इतनी है, बंदे हैं ही नहीं इसमें, मुझे खुद बंदों की ज़रूरत है, मुझे नहीं मिलते बंदे तो आप अगर अभी इस वक्त भी ना आप गिग बना देंगे फाइवर पे जाके कि मैं चैट बॉट बना रहा हूँ, चैट बॉट डेवलपर लिख के लगा देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि मैसेज खुद आना शुरू हो जाते हैं आपको, जो है ना एक दो हफ्ते में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि यार हमें चैट बॉट बनवाना है, हमें ये बनवाना है, तो वो जॉब की तो इसके अंदर कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू फील्ड है और बिल्कुल न्यू फील्ड होने की वजह से ना इसमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्पिटिशन इसमें ना होने के बराबर है, ठीक है? तो ये वाला सीन है इसमें जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी जी, और कोई अपना इंट्रोडक्शन अगर देना चाह रहा है तो प्लीज़ दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाफिज़ मोहम्मद रयान जी। सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, आपको जानते रहेंगे। अच्छा हाफिज़ साथ वो वेब प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैं आपके बारे में बताता हूँ, ये हाफिज़ मोहम्मद रयान जो है ये मेरे ही स्टूडेंट हैं, मुझसे ये वेब डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं और अब ये चैट बॉट में इनको इंटरेस्ट हुआ है तो ये यहाँ पे भी एडमिशन लिया है इन्होंने। अच्छा रयान, ज़रा ये बताओ कि मुझसे पढ़ने से पहले भी कहीं से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड रहा है आपका? नहीं सर, आपसे पढ़ा है फर्स्ट टाइम, आपसे HTML वगैरह पढ़ी, CSS पढ़ी, JavaScript, अब React पढ़ रहा है। सही है। अच्छा वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हो, स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, क्या कोई बिजनेस है, जॉब है, वो बताओ ज़रा। इसके अलावा तो इतनी कोई मसरूफियात नहीं है, जामिया जाता हूँ और अभी फर्स्ट ईयर वगैरह के पेपर दे रहा हूँ और ये आपसे कोर्स, दो कोर्स। अच्छा जामिया में क्या पढ़ते हो, मुझे तो पता है लेकिन सब लोगों को बताओ। जामिया में पाँचवें साल का स्टूडेंट हूँ, दर्जा है पाँचवा दर्जा है। अच्छा तो टोटल इसमें 8 साल होते हैं जामिया के, जिसमें से 5 आपने कर लिए। अच्छा वेल्डन यार, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। अच्छा शेख उबादा ने लिखा है कि माई नेम इज़ शेख इबादा, पाइथन प्रोग्रामर, डाटा एनालिस्ट, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ BScS, कंप्लीट मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स बाय जवान पाकिस्तान एंड कोडिंग एंथुजियास्ट। अच्छा बहुत अच्छी बात है उबादा, आपने इतना कुछ कर लिया और अभी आपकी एज भी कम होगी क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं BScS की, तो आपकी एज गालबन कोई 20, 22 या 24 के अराउंड होगी। अच्छा जी तो अब मैं ना आपको ज़रा दो चार बातें बताता हूँ जो हमें करना है इस क्लास में। नंबर एक, सबसे पहला ये कि देखें, एक तो सोशल मीडिया है ना, फेसबुक है आम लोगों का सोशल मीडिया। मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सोशल मीडिया क्या होता है, कौन सा वाला होता है। दो सोशल मीडिया जो सबसे फेमस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के, ख़ास सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा नंबर एक github.com, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और ताकि आपको जो है ना ये, अच्छा मैं गया, नया टैब मैंने ओपन किया और मैंने कहा github.com, एंटर। अच्छा github.com पे आप सब लोगों को अकाउंट बना लेना है, ठीक है? github.com पे ये सोशल मीडिया है डेवलपर्स का, ये इसमें मेरा अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोगों का अगर पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है और जिनका नहीं बना हुआ है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैंने कर तो दिया वैसे। क्या बाकी लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन, चैट में लिख कर बताइएगा। जी सर देख पा रहे हैं। मैं स्टॉप करके बाय द वे एक दफ़ा और शेयर कर देता हूँ जस्ट इन केस। अच्छा ये मैंने github.com पे ना अपनी प्रोफाइल आपको खोल कर दिखा दी। अच्छा अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ गिटहब है क्या। github.com जो है, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, डेवलपर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। डेवलपर देखें, एक बंदा गया कहीं घूमने फिरने गया, उसने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियोस बनाई, ठीक है? तो वो कहाँ शेयर करता है? वो फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे शेयर करता है, ठीक है? अब उसी की जगह पर एक डेवलपर है, उसने कुछ कोड लिखा, ठीक है? अब वो उसको शेयर करना चाहता है दूसरे डेवलपर्स के साथ या आम लोगों के साथ, जो भी उसका कोड देखना चाहे उनसे वो शेयर करना चाहता है, तो वो कैसे शेयर करेगा? उसके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है? फेसबुक पे अगर वो शेयर करेगा ना, तो फेसबुक उसके लिए बना हुआ नहीं है, फेसबुक में वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि कोड को वो अच्छी तरह से शेयर कर सके।
ठीक है, तो github.com डेवलपर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए एक डेवलपर अपना कोड अच्छी तरह से शेयर कर सकता है, और जो कोड देख रहा होता है बंदा वो फिर उस पर कॉमेंट करता है, उसको स्टार देता है। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा कोड है, ये 22 आवर्स अगो ये मैंने कोड इसमें पुश किया है और इसमें 9 लोगों ने स्टार्स दिए मुझे। ठीक है, अच्छा और भी देखें आप, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें 49 लोगों ने स्टार दिया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहला तो ये मैं आपको अपना भेज रहा हूँ गिटहब का जो है ना URL। अच्छा, इसको गिटहब के URL को ओपन करके ना आपने मुझे फॉलो कर लेना है। यहाँ पे एक फॉलो का बटन आ रहा होगा छोटा सा। अच्छा, आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि इस क्लास में भी मैं जितना कोड लिखूँगा वो सारा का सारा कोड मैं गिटहब के ज़रिए आप लोगों से शेयर करूँगा। जो मैं क्लास के दौरान कोडिंग जितनी भी करूँगा वो मैं गिटहब के ज़रिए मैं गिटहब में शेयर करूँगा और आपको वहाँ से वो नज़र आ जाएगा। तो आप जब मुझे इसमें फॉलो कर लेंगे github.com में, तो क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इंजमाम मलिक ने ये कोड यहाँ पे पुश कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इस पे साइन अप कर लें। छोटा सा साइन अप का प्रोसेस होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आप मोबाइल फ़ोन से भी इस पे साइन अप कर सकते हैं। तो सब लोग इस पे साइन अप करके ना मुझे आप फॉलो कर लें। हमारे पास 25 लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। अच्छा, तो मेरे फॉलोअर जो है ना वो 660 हैं अभी। तो अगर 25 लोग सबके सब अकाउंट बना लेते हैं तो मेरे फॉलोअर 685 हो जाने चाहिए। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सब लोगों ने अकाउंट बना लिया इसके ऊपर। अच्छा, ये अच्छा, साथ साथ अकाउंट बनाते जाएं और मेरी बातें भी सुनते जाएं। ठीक है, अच्छा ये अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या मिसाल के तौर पे फेसबुक अगर किसी का चलाने का दिल नहीं कर रहा तो वो फेसबुक पे ना बनाए अकाउंट, कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल फेसबुक की तरह है, लेकिन ये बना हुआ डेवलपर्स के लिए। तो इस पे अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे अहम सवाल है। और मैं क्यों आपसे अभी इस पॉइंट पे बिल्कुल पहली क्लास में आपसे अकाउंट बनवा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, इस वक्त डिग्री की जो वैल्यू है ना वो हो चुकी है ज़ीरो। बिल्कुल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर में करेंगे, उसी में सेव रहेगा। कल को आपका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव वगैरह ख़राब हो जाएगी तो आपका वो काम सारा गया ख़त्म, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसी तरीके से जब आप कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे, कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा या ख़ुद से भी आप किसी के पास जा रहे हैं अगर, तो उसको आप अपना काम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो उसको आपको अपना काम दिखाने के लिए ना आप उसको भेजेंगे गिटहब की रिपॉजिटरी। मिसाल के तौर पर अब आ जाते हैं थोड़ा मेरे पास कि मैंने क्या किया हुआ है। अच्छा, मिसाल के तौर पे Netlify के एज फंक्शंस ये मैंने बनाए हैं 6 दिन पहले। अच्छा, तो आज से 10 साल बाद भी ना अगर मैं किसी से बोलूँगा ना मैं Netlify एज फंक्शन पे मैं काम करता हूँ, कर चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ये 10 साल पहले की ये रिपॉजिटरी नज़र आ जाएगी कि हाँ यार ये 10 साल से कोडिंग कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप में से अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप तो कह रहे हैं मैं 10 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, क्या सबूत है? कोई वीडियो, कोई फ़ोटो कि आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो? कंप्यूटर के आगे बैठ के सेल्फी तो कोई भी ले सकता है ना, उससे तो नहीं पता चलता कि बंदा क्या वाकई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ी पुरानी रिपॉजिटरीज़ खोलता हूँ और बैक जाता हूँ। 300 रिपॉजिटरीज़ टोटल मेरे पास ये मौजूद हैं, बल्कि इसमें से मैं वैसे ही एक सेल्समैन ऐप, अच्छा ये एक रिपॉजिटरी है। अच्छा देखो, ये रिपॉजिटरी कब की बनी हुई है? 2016 में इसमें आखिरी कमिट हुआ है। तो कम से ये 2016 में ये ऐप बनाई है मैंने, ये पूरी ऐप बना के शेयर की है और ये इसका लिंक भी आ रहा है, इसको आप खोल के इसको देख भी सकते हैं कि ये दिखती कैसी है। ठीक है, अच्छा ये तो अभी जाहिर है वो इतना पुराना होस्ट हुआ था फ्री वाले पे, हरिको पे, तो हरिको ने फ्री टियर अपना बंद कर दिया इसलिए खुल नहीं रहा। वेल, जो लोग कोडिंग जानते हैं वो इसको चला के भी देख सकते हैं। तो एटलीस्ट 2016 तक तो मैं कोडिंग कर रहा था, ठीक है, उससे भी पुरानी रिपॉजिटरीज होंगी इसमें, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता। एक और थी, एक RGB करके, वो वाली तलाश करता हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, ये RGB करके एक रिपॉजिटरी है। अच्छा, ये मैं जाऊँगा कि कब कब इसमें चेंजेस किए मैंने, ये देख रहे हैं ये सारी चेंजेस हुई हैं। 2015 में ये रिपॉजिटरी मैंने क्रिएट की है और 2015 में ही इसमें कोड सारा का सारा मैंने लिख के भेजा है। तो 2015 से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, ये क्रेडेंशियल है आपका, ये एक ऐसा क्रेडेंशियल है इसको कोई झुठला नहीं सकता। और
जब हम इस क्लास में जो भी असाइनमेंट्स करेंगे तो वो भी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप शेयर करें github.com पे। आप क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे वो अपने तमाम असाइनमेंट्स को। अच्छा, तीन चार लोगों ने बना लिया है, बाकी लोग सारे ना, सब लोग जल्दी जल्दी ये बना लें अपना अकाउंट। तो मैं आप लोगों से जब ये असाइनमेंट अपन शेयर करवाऊँगा ना, आपका ही असाइनमेंट बना हुआ आपसे शेयर करवाऊँगा, तो कल को जब भी आप कहीं पर जाएंगे ना जॉब के लिए, कहीं पर इंटरव्यू के लिए, आप वैसे ही उसको शेयर कर रहे होंगे तो लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे, लोग देखेंगे कि अच्छा यार ये बंदा काम कर रहा है, आपका काम चेक करेंगे, आपको हायर करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप इमेजिन, मैं खुद क्योंकि एक कंपनी रन कर रहा हूँ छोटी सी, तो मुझे पता है कि एक एक जो कंपनी ऑनर होता है वो जब किसी बंदे को हायर करता है तो उसमें क्या चीज़ें देखता है। ठीक है, मेरे लिए बहुत ही एक टफ काम होता है ये कि किसी बंदे का मैं रिज्यूमे देख के ये अंदाज़ा लगाऊँ कि ये वाकई कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे में तो वो तो कागज़ का टुकड़ा है ना, आप कुछ भी लिख के लगा दें उसमें, आप बोले मैं, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ख़त्म बात, कोई भी लिख के कुछ भी लगा दे तो सब बराबर हो गया फिर। तो रिज्यूमे देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने पानी में। अच्छा, फिर एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं कोई टास्क दे दूँ उसको, बोलूँ ये करके दिखाओ मुझे, लेकिन मसला ये है कि उसमें भी बहुत टाइम लगता है, टास्क बनाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, फिर उससे फॉलो अप लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर किसी बंदे के पास ना पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ, मिसाल के तौर पर मैं चैटबॉट का डेवलपर हायर कर रहा हूँ, मैं कहूँगा यार अभी तक तुमने बनाया क्या है ज़िंदगी में, दिखा दो, और उसने मुझे दिखा दिया कि सर मैंने ये बनाया, तो ख़त्म हो गई बात यहाँ पे ना। रिज्यूमे वगैरह, सर्टिफिकेट, डिग्री सब साइड पर हो जाती है जब आपका काम सामने होता है। अच्छा, मैं और आसान एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैंने पान की दुकान खोली, ठीक है, आजकल पान की दुकान की एग्जाम्पल बहुत दे रहा हूँ मैं मैंने पान की दुकान खोली और मुझे एक बंदा चाहिए वहाँ पर पान की दुकान पे, जो क्या करे, पान लगा के दिखाए, पान लगा के ना लोगों को दे और बेचे, दुकान चलाए। अब मुझे बंदा चाहिए। अब मेरे पास बंदा आया, उसने बोला सर मैंने ना पान लगाने का मैंने कोर्स किया हुआ अमेरिका से, या जहाँ भी पान अच्छे होते हैं वहाँ से, सही है, तो मैंने पान लगाने का फला यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली हुई है कि मैं पान लगाने का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं उसको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ठीक है डिग्री तो है तुम्हारे पास, पान लगाने का एक्सपर्ट हो गए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, तो चलो ज़रा 2 मिनट बैठो यहाँ पे और पान लगाओ और ख़ुद भी खाओ एक और मुझे भी खिलाओ ज़रा तो दूध का दूध और पानी का पानी सब साइड पे हो जाती है। डिग्री विग्री जब काम आपका सामने होता है ना तो उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं होती फिर, काम सबसे, क्योंकि भाई मैं अगर आपको हायर कर रहा हूँ तो मैं आपकी डिग्री को लेके क्या चाटूंगा, मैं उस पर चॉकलेट थोड़ी लगा हुआ है आपकी डिग्री पे, तो मुझे तो काम करवाना है आपसे, आपको काम ही नहीं आता तो फिर मैं डिग्री का क्या करूँ, डिग्री मेरे लिए बेकार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं हर थोड़े दिनों के बाद आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स दूंगा और वो असाइनमेंट आप लोगों को करने हैं और करके यहाँ गिटहब में उसको पब्लिश करना है। अच्छा, गिटहब में पब्लिश कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ये कोर्स उसके लिए बना हुआ है, ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ये कोर्स उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड होता है, जो तेज़ बंदा होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो तो सीख ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, मसला असल होता है उस बंदे का जो जिसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, ये उस बंदे के लिए कोर्स बनाया गया, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ ना ये सब आपको सिखाऊंगा मैं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, तो अभी ज़रा देखते हैं कितने लोगों ने अभी तक बना लिया अकाउंट। अच्छा, मेरे ख्याल है कोई 8-10 लोगों ने तो बना लिया है, बाकी लोग भी ज़रा बना लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, एक सोशल मीडिया अकाउंट और है डेवलपर्स का। अच्छा, वो कौन सा है, मैंने स्क्रीन अपनी दोबारा से शेयर की है आप लोगों से। अच्छा, वो है स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, stackoverflow.com ये है वो। अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो पे क्या होता है, यहाँ पे डेवलपर्स आपस में ना सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अच्छा, आप कहीं भी ना प्रोग्रामिंग के दौरान आप कहीं पे भी स्टक होंगे तो आप यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो छोटा मोटा मसला है ना कि भाई कोई एरर आ रहा है तो आपने, वो तो व्हाट्सएप का ग्रुप उसके लिए बना हुआ है, आप वहाँ पे शेयर करेंगे, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप में भी किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पोस्ट करने के बाद ना
जैसे मैं आपने क्वेश्चंस, ये मेरी प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ इस पर, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। अच्छा, इसमें मैंने देखे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूछे हैं, ठीक है, ये आ जाता हूँ मैं, ये क्वेश्चंस मैंने 45 क्वेश्चंस पूछे हैं इसके अंदर, और कितने टाइम में पूछे हैं ज़रा देख लेता हूँ, सबसे पुराना कौन सा है मेरा, और पीछे चलते हैं, 2015 से लेके अभी तक मैंने टोटल 45 क्वेश्चन इसमें से पूछे हैं मैंने, ठीक है। अच्छा, ये कौन है जी? अच्छा, प्लीज़ ग्रुप में ज़रा कोई ना मैसेज एक डाल दे कि जो भी ज्वाइन हो रहा है वो ईमेल पे जाके ना यस क्लिक करे फिर ज्वाइन हो, उसके बगैर किसी को ज्वाइन होने की इजाज़त नहीं है। इट्स गुड टू हैव एक्सपर्टीज बट देयर आर सो मैनी प्रोफेशनल्स हु डोंट हैव गिटहब अकाउंट बिकॉज दे यूज देयर कॉरपोरेट सोर्स कंट्रोल। ऑल्सो हैविंग अ गिटहब इज नॉट प्रूफ ऑफ वंस एक्सपर्टीज। इवन ऑन गिटहब यू कैन कॉपी पब्लिक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अदर पीपल एंड होस्ट इट एज योर्स। हाँ, बिल्कुल सही आपने बात की है कि आप गिटहब में कहीं से भी कोड उठा के लगाते हैं, हो जाता है। लेकिन मिसाल के तौर पर अभी ये हाफिज़ मोहम्मद रयान है ना, ये मेरे स्टूडेंट है पुराने, मैं इनका आपको गिटहब खोल के दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। आ जाते हैं जी, हाफिज़ मोहम्मद रयान कहाँ गया, ये रहा, ये इनका मैं गिटहब आपको खोल के दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या, कौन से प्रूफ की बात हो रही है। अच्छा देखो, ये सबसे पहले आ गया, नाम आ गया इनका, साथ में फ़ोन नंबर आ गया, ये सब आप लोगों से भी करवाऊंगा क्योंकि मेरे पहले से स्टूडेंट है, तो इसलिए इनका ये गिटहब जो है वो अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं रिपोजिटरीज़ में गया। अच्छा, पहले तो ओवरव्यू में ही दिख जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखें, ओवरव्यू में दिख गया कि ये कुछ ना कुछ कोडिंग कर रहे हैं, फरवरी से शुरू हुए हैं ये, और सितंबर तक, बीच में थोड़ा सा गैप आया इनके अगस्त और सितंबर के, लेकिन अगस्त में इन्होंने एक्सटेंसिव कोडिंग की है यहाँ पे। अच्छा, एक तो तरीका ये होगा ना, देखें ऑब्वियस बात है कि हाफिज़ मोहम्मद रियान है, बड़े बिजी बंदे हैं ये, मदरसा भी चला रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी दो दो कोर्स में एक साथ इनरोल हो गए हैं ये, ठीक है, तो टाइम तो इनके पास नहीं है। अच्छा, अब या तो ये बिल्कुल ही फारिग हो ना कोई बंदा, कि बैठ के ना प्लानिंग करे कि अच्छा यार मैं इस कोर्स इस दिन ये लिखूंगा, इस दिन ये लिखूंगा। तो देखें, प्रूफ ये है कि फरवरी से ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है गिटहब में, ठीक है, क्या कर रहा है वो भी दिख जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या कर रहे हैं, ज़रा देख लेते हैं। ये रिपॉजिटरीज़ है, 33 रिपॉजिटरीज़ इनकी मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले इनका क्या है, रिएक्ट FB पोस्ट क्लोन, ये मैंने इनसे असाइनमेंट बनवाया था तो ये उन्होंने बनाया था। अच्छा, एंटर किया मैंने इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखें, ये लिंक आ रहा है, ये लिंक मैंने खोला, ये फ़ौरन नज़र आ गया, ठीक है, जो इन्होंने बनाया ना ये फ़ौरन सामने नज़र आ गया। तो ये बात है, तो सबसे पहला कन्वीनियंस तो ये हो गया ना कि आप कहीं पे भी बैठे हुए ना दुनिया किसी कोने में, आपने फ़ौरन खोला, क्लिक किया, दिखा दिया, सामने दिख गया। इसमें आसान है या मुश्किल है ये, ठीक है, तो ये फ़ौरन दिख गया कि इन्होंने क्या बनाया है ज़िंदगी में, इन्होंने क्या किया, फ़ौरन नज़र आ गया सामने, ठीक है। अच्छा, आप कमिट्स में जाएँ, आप कमिट्स में जाके देखेंगे कि कब इन्होंने कमिट किया, ठीक है। बैक करते हैं, किसी दूसरी रिपॉजिटरी में चलते हैं इनके, ठीक है। जैसे ये इनकी एक रिपॉजिटरी है, अब यहाँ पे ना आप कमिट देखेंगे ना, 40 कमिट्स हैं इसके अंदर, ये वक्तन फवक्तन हुए हैं 40 कमिट्स। तो या तो कोई बंदा बिल्कुल ही फारिग है कि बैठ के ऐसे कमिट्स करता रहे बिला वजह के सिर्फ इसलिए कि आपका वो शो हो उस पर ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गिटहब ही आपका प्रूफ होता है। और दूसरा ये कि जो लोग कॉरपोरेट में भी हैं, वो कॉरपोरेट के सिस्टम्स को भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो ऐसा एक पब्लिक अपनी पोर्टफोलियो बनाकर रखें। ये पोर्टफोलियो है आपका, पोर्टफोलियो की बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि गिटहब हो पोर्टफोलियो, आपका फेसबुक भी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि गिटहब ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब जैसे आए आप मेरी रिपॉजिटरी में, देखें आप मेरी रिपॉजिटरी में, ये मैं जो सैलानी में क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, बैच 8, जिसमें ये हाफिज़ मोहम्मद रियान उसमें इनरोल भी हैं। अब आप देखें, इसमें 72 कमिट हुए हैं, 72 कमिट हुए हैं, इसमें मैं जाऊँगा ना, एंटर होऊंगा, तो आप देखें हर एक दिन छोड़ के एक दिन कमिट हुआ है, ठीक है, हर एक दिन छोड़ के 13, 14, 15, 20, 22, 27, 29, क्योंकि हमारे वीक में 3 दिन क्लास होती है, जैसे आपकी होती है वैसे ही वहाँ पे भी 3 दिन क्लास होती है। तो अब लास्ट ये कब से शुरू हुआ है, ओल्डर और पीछे जाता हूँ मैं,
ये 16 फरवरी से ना हर एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें कोर्ट पुश हो रहा है, तो या तो मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ, अगर वो सामने वाला बंदा अगर थोड़ा तो सेंस होगा ना उसमें, उसको अगर लग रहा है मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ, फिर तो मैं उससे बचूँ, फिर उसके पास तो जाना ही बेकार है ऐसे बंदे के पास ना, जो आपको समझ रहा है ना कि बिल्कुल फारिग है, उस बंदे से तो आप दूर रहें, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके पास जाने का आपको। और अगर उसमें ज़रा सी भी सेंस है तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार हर एक दिन छोड़ के एक दिन कोर्ट पुश हो रहा है, तो वाकई कोई क्लास पढ़ा रहा है ये। वैसे वो तो यूट्यूब पे भी एविडेंस मौजूद है। तो पता ये चला हमें कि आपकी जो डिग्री है वो इतनी ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है जितना आपका गिटहब का अकाउंट है, या आपका शेयर किया हुआ कोड है, या आप जो अगर जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्लासेस, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, प्राइवेट है लेकिन डला हुआ है, किसी को भी मैं अपना अकाउंट खोल के दिखाऊंगा कि यार ये देख ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी दी जाएगी ये रिकॉर्डिंग इस क्लास की तमाम लोगों को, और वो उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम का होगा, ये जो रिकॉर्डिंग आपको देंगे इंशाल्लाह इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, ये ख़त्म नहीं किया जाएगा एक्सेस आपका कभी भी। तो हमने ये देखा जैसे फेसबुक है, अब आप मेरी फेसबुक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं कब से क्या कर रहा हूँ, किस वक्त मैं क्या कर रहा था, तो पता चलता है आपको। अच्छा, तो दूसरा हमने देखा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आप चाहें तो अभी अकाउंट बना लें, चाहें तो आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो पे भी अल्टीमेटली आप कोशिश कीजिएगा कि आप अकाउंट अपना बना लें। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इस पे जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपको रेपुटेशन अवार्ड में दिया जाता है। देखिए मेरे पास जो है ना इस वक्त 3000 रेपुटेशन ये शो हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 3000 रेपुटेशंस। अच्छा, और क्वेश्चन पूछने के भी आपको यहाँ पे रेपुटेशन दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने पे भी और आंसर पूछने पे भी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि 290K पीपल रीच्ड, 290,000 लोग जो हैं वो इस मेरे क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं, या तो उनको मेरे क्वेश्चन से फ़ायदा हुआ है या तो उनको मेरे आंसर से फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना रेपुटेशन जो है स्टैक ओवरफ्लो की, ये बाकायदा आजकल लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं कि मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो पे इतने 1000 रेपुटेशन है, ठीक है। तो इस पे सब लोग अपना अकाउंट बना लें, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इस पे आप अपना क्वेश्चन पूछें, आप आंसर्स यहाँ से आके तलाश करें, और आपको पता होना चाहिए कि स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे आप, अभी जस्ट आप इस पे अकाउंट बना लें, दैट्स इट। अच्छा, तो ये हमने दो अकाउंट देख लिए, सोशल मीडिया के दो अकाउंट हमने देख लिए। अच्छा, एक तीसरी जगह भी है जो आपने करनी है, वो कौन सी जगह, वो है LinkedIn.com, ठीक है। ये मैंने तीन आपको जगहें बता दी हैं अभी तक, ये तीसरा बता रहा हूँ आपको मैं, LinkedIn.com। अच्छा, LinkedIn.com पे अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा है, देखें फेसबुक तो है ना आम लोगों के लिए, जो रिक्रूटर्स हैं ना जितने भी रिक्रूटर्स, मतलब जो हायर करते हैं, जो HR का जो डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी का HR का डिपार्टमेंट इस वक्त LinkedIn पे मौजूद है, ठीक है। अभी तो खैर आपका शुरू हुआ है कोर्स, लेकिन कोर्स के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप क्या करें, अब आप इंटरव्यूज़ देना शुरू करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए पेपर पे जो रिज्यूमे होता है ना उसका दौर तो चला गया, पेपर पर रिज्यूमे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब चाहिए ना, आप पेपर का रिज्यूमे लेके क्या कंपनी के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे इट वर्क्स। आज के दौर में 2022 में आपको लिंक्डइन पे सर्च किया जाता है, मिसाल के तौर पे मुझे अगर सर्च करना है कोई वेब डेवलपर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब डेवलपर और एंटर कर दूँगा, ठीक है, ये आ गए सारे वेब डेवलपर, ठीक है, ये सब लिस्ट आ गई। अब मैं किसी के भी अंदर प्रोफाइल में जाऊंगा, इन्होंने देखे लिखा हुआ है कि ये फुल स्टैक वेब डेवलपर है, ठीक है, अहमद नवाज़ खान, मुझे नहीं पता कौन है, सेकंड मेरे साथ वो भी है, ये यानी मेरे किसी दोस्त के दोस्त हैं तो उसको ये सेकंड कहता है, ठीक है। और एयरबी सॉफ्ट करके कोई कंपनी है, वहाँ पर ये जॉब भी कर रहे हैं, या नीचे आऊँगा मैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं, यही तो होता है ना रिज्यूमे में, यही सब कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट अगर किया हुआ है तो वो, स्किल्स कौन कौन सी हैं, लेकिन 20 स्किल्स इन्होंने मेंशन की हुई है कि इनके पास है, लारावेल, HTML, बूटस्ट्रैप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप सब लोगों का लिंक्डइन के ऊपर ये रिज्यूमे पूरा अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। देखें ये कह रहे हैं कि दो लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में और उर्दू में, ठीक है, इंटरेस्ट इनका किन चीज़ों में वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और इनको अगर मैसेज करना है, किसी को भी हायर करना है इनको, तो वो क्या कर सकता है, इनसे कनेक्ट करके इनको मैसेज कर सकता है। इन्होंने तो खैर मैसेज पे अपने लॉक लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों लॉक लगाना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, रिसेंटली अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें जो है ना वो आपको हायर करना है और पता नहीं, जैसे ये देखें ये एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने देखें क्या लिखा है,
अच्छा लास्ट मैसेज मैं देखे पढ़ाता हूँ आपको, ये वैसे पर्सनल चीज़ है कोई पढ़वाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करने की बात है। कह रहे हैं कि आई हैव माई क्लाइंट द एटलांटिक बैंक, कोई बैंक है ये, हु वॉन्ट टू यूज़ व्हाट्सएप बिजनेस API फॉर दिस सब्सक्राइबर। हेयर इज द यूज़ केस, इन्फॉर्म सब्सक्राइबर फॉर द कंपनी न्यूज़ एंड सेंड मैसेजेस टू सब्सक्राइबर इंडिविजुअल इन द ग्रुप्स। ये कह रहा है कि बैंक है, वो चाहता है कि एक बार जो बैंक में आ जाए ना, बैंक के नंबर पे मैसेज कर दे उनको, बाद में फिर ना सब्सक्रिप्शन हो जाए उसकी और बाद में उसको न्यूज़ वगैरह मैसेजेस आते रहें बैंक के व्हाट्सएप के नंबर से। ठीक है, तो ये एक बंदा है, ये कब का मैसेज है, ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद एक दो हफ्ते पुराना है, 3 सितंबर का, यानी इसी मंथ के शुरू का मैसेज है। अच्छा, अब आप देखें, ये देखें एक और मैसेज ये इन्होंने किया हुआ है, ये कौन है, महविश जावेद, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट रिक्रूटर। हेलो इंजमाम, वी आर लुकिंग फॉर अ रिमोट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चैटबॉट डेवलपर, आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल, इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ला ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ऐसे में आपको अनलिमिटेड मैसेजेस यहाँ पे पूरी एक लंबी लिस्ट है, मैं जितना स्क्रॉल करता जाऊँगा ये आते जाएंगे, डेली बेसिस पे इस पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें बंदों की ज़रूरत है, हमें चैटबॉट डेवलपर चाहिए, हमें वेब डेवलपर चाहिए। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे ये बंदे मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो आपको अगर हायर होना है फौरी तौर पे, तो linkedin.com के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे आप। ठीक है, ये 3 सोशल मीडिया आपको मैंने बताएं, ये 3 सोशल मीडिया पे अगर आपने अपनी अपेरेंस थोड़ी सी भी अच्छी कर ली ना, जैसे देखें इन्होंने क्या किया हुआ, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, एक बैकग्राउंड पिक्चर लगाई हुई है और अपने बारे में डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से मेंशन की हुई है। ठीक है, अबाउट में देखें आप इन्होंने क्या लिखा है, 2-4 प्रोफाइल देखें आप, उन्होंने अबाउट में क्या लिखा है, आप भी उसको देख के अच्छा सा बना के ना अबाउट अपना लिखते हैं आप भी अपना। ठीक है, तो लोगों के मैसेजेस आपको खुद ही आना शुरू हो जाएंगे कि हमें बंदों की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं आपको अभी इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप अभी से इस पर अकाउंट बना लें, बाद में इम्प्रूव तो खैर होता ही रहेगा, वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूव करेंगे, अभी जस्ट साइनअप करके छोड़ दें। जस्ट इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पर जस्ट साइनअप आप करके छोड़ दें, बाद में तो वो खुद ही इम्प्रूव होता रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो ये 3 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। अच्छा, अब आप वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। अच्छा, इतनी जो मैंने बात बताई है, इसमें किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको समझना आई हो, किसी का भी कोई सवाल है तो वो माइक ओपन करके जवाब दे सकता है। अच्छा, मैं क्लास में जो क्लास में पढ़ाने का मेरा तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, कि मैं हर क्लास के शुरू में ना स्टार्ट में मैं आपसे पूछता हूँ कि आया कि आपका कोई सवाल है पिछले लेक्चर से मुतालिक, या कोई जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें स्टक है अगर आप, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। क्लास के शुरू में मैं ये हर दफ़ा आपसे सवाल करूँगा। दूसरी बात, लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप सब लोगों को ये इजाज़त है, इस चीज़ का एक्सेस है कि आप दरमियान में अपना माइक ओपन करके अगर आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने बात बताई है मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो दरमियान में आप मुझे रोक के अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, क्लास के आखिर में भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ कि जो अभी मैंने लेक्चर दिया उसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, किसी को कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ में ना आई हो, तो मैं लेक्चर के आखिर में भी क्वेश्चंस आपके लेने की कोशिश किया करूँगा हमेशा, अगर टाइम बचा लास्ट में तो। अच्छा, उसके अलावा अगर लेक्चर में आपका सवाल नहीं ले पाया मैं, तो आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है। ठीक है, एक है पेड ग्रुप जो एडमिन ऑनली है, जिसमें सिर्फ मैं आपको मैसेज करूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ना फिर वो नीचे चली जाती है अगर वो सब लोग मैसेज करें तो जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें सिर्फ मैं आपको मैसेज करूँगा और आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, और एक है हमारा डिस्कशन का ग्रुप, वो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है। ठीक है, डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें आप, अच्छा प्लीज़ ये मैसेज ज़रा ग्रुप में कोई डाल दीजिएगा कि हानिया शुजा ये ज्वाइन करना चाह रही हैं, तो इनको ज्वाइन कैसे होना ज़रा कोई बता दे इनको व्हाट्सएप के ग्रुप में। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो डिस्कशन का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें आप सवालात पूछेंगे। जो व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है वो पब्लिक है, उसमें इस कोर्स के अलावा भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो उसमें ज़रा थोड़ा बिहेवियर अपने ऐसा रखिएगा कि दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े आप लोगों का। ठीक है, और किसी को भी किसी से बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं है, ना इस क्लास के दौरान ना ग्रुप में। ठीक है, अगर कोई भी डिस्कशन वाले ग्रुप में किसी से बदतमीज़ी करता हुआ पाया गया, या कोई रूड बिहेवियर करता हुआ पाया गया, या किसी को बुली करने की कोशिश की आपने, ठीक है, तो आपको फिर मुझे फेस करना पड़ेगा। तो हमें हेल्दी माहौल क्रिएट करना है क्लास में, पढ़ने वाला माहौल क्रिएट करना है, मिल के सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है। आपको पता है सिखाने से ज़्यादा सीखता है बंदा,
अगर आप दूसरे को सिखाएंगे ना, दूसरे की हेल्प करेंगे, तो आप उससे बहुत कुछ खुद भी सीखेंगे। तो कोशिश करना है हमें कि हेल्दी माहौल बनाए हम क्लास के अंदर भी और ग्रुप में भी, और सीखने सिखाने वाला माहौल बनाए। अच्छा, प्लीज़ ग्रुप में जो डिस्कशन का ग्रुप है उसमें मार्केटिंग वाले कोई मैसेजेस ना फॉरवर्ड करें, कोई मीम्स, कोई फ़नी वीडियोस, इस तरह की चीज़ें आप फॉरवर्ड ना करें उसके अंदर। अगर आप वो फॉरवर्ड करेंगे तो मैं डिलीट कर दूँगा उसको, क्योंकि अभी व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ गया है कि मैं एज अ एडमिन व्हाट्सएप के ग्रुप में से कोई भी मैसेज डिलीट कर सकता हूँ, और अगर आपने कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा शेयर किया तो मैं आपको किक आउट भी कर सकता हूँ डिस्कशन वाले ग्रुप से। ठीक है, तो ये हमने बाउंड्रीज एक सेट कर ली ताकि बाद में इनकन्वीनियंस से बचा जा सके। अच्छा, अब हमारे पास ना थोड़ा सा टाइम है, अभी शायद 30 मिनट के अराउंड हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं आपको ना एक एक्टिविटी देके जा रहा हूँ, घर से एक टास्क देके जा रहा हूँ। अभी तो क्लास में तो आज हम कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको घर से ना एक टास्क देके जा रहा हूँ। अच्छा, करना क्या है आपको, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वही वही काम आपको करना है। अच्छा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम क्योंकि बचा हुआ है हमारे पास, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपना कोई भी कोड आपको github.com पे पब्लिश कैसे करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आज मैं बता देता हूँ आपको लगे हाथों, फिर हम कल से प्रॉपर क्लास करेंगे, कल से हम फिर कोडिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं आ गया, ठीक है, आप सब लोगों ने होपफुली इस पे अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है, और github.com पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू रिपोजिटरी का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से न्यू प्रेस करके भी आप न्यू रिपोजिटरी बना सकते हैं, और यहाँ से प्लस प्रेस करके भी आप न्यू रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्रेस करके बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा आपने ये नोट किया, जो सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना उसका नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सोशल मीडिया है ना डेवलपर्स का, तो इसमें वो हो रहा है, सब लाइक कर रहे हैं सब लोग। अच्छा क्या हुआ, ये गायब हो गया अचानक, अच्छा लोड हो रहा है अभी, लोड लोड देर से हो रहा है। अच्छा ये देख रहे हैं, सुफियान 8 other स्टार्टेड फॉलोइंग यू, सुफियान और 8 मज़ीद लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। अच्छा, वसीम खान स्टार्ट 20 repositories, इन्होंने जाके मेरी 20 repositories को लाइक किया है, थैंक यू यार। अच्छा, ये मेरे पास किसी और का नोटिफिकेशन आया है, किसी को मैंने फॉलो किया हुआ है वहाँ से आया नोटिफिकेशन ये। अच्छा, ये इन्होंने फ़ोर्क किया है मेरी किसी रिपॉजिटरी को, फ़ोर्क शेयर को कहते हैं ये, फेसबुक पर शेयर होता है ना इसमें फ़ोर्क होता है, इन्होंने फ़ोर्क लिया है इस रिपॉजिटरी का। अच्छा, ये इन्होंने स्टार दिया है मुझे किसी रिपॉजिटरी में, 8 घंटे पहले किसी ने मुझे स्टार दिया इस पर। ठीक है, और इस तरह ये मज़ीद नोटिफिकेशन हैं, ये सारे लाइन से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मुझे फॉलो करेंगे ना, तो जब मैं कोई नई एक्टिविटी करूँगा, कोई कोड शेयर करूँगा, कोई रिपॉजिटरी बनाऊँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, तो अब ये जो न्यू रिपॉजिटरी है, ये रिपॉजिटरी है क्या, रिपॉजिटरी क्या भला है, रिपॉजिटरी कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है। ठीक है, रिपॉजिटरी कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है या एक प्रोजेक्ट है, उसको ये रिपॉजिटरी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक नई रिपॉजिटरी जो क्रिएट की है, तो असल में एक एम्प्टी फोल्डर आप बना रहे हैं, और उस एम्प्टी फोल्डर में आप तमाम का तमाम अपना कोड जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा कि माई फर्स्ट रिपॉजिटरी। ठीक है, माई फर्स्ट रिपॉजिटरी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि दिस रेपो वॉज क्रिएटेड एज डेमो इन अ क्लास। ठीक है, ताकि बाद में कोई आए मेरे अकाउंट पर तो उसको पता चले कि अच्छा ये किसी क्लास में डेमो के तौर पे ये बनाकर दिखाया गया था। ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख दें, नो प्रॉब्लम, अगर ना लिखना चाहें तो। अच्छा यार, ये क्या चक्कर हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। ओके वेल, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या करना है, कोई और चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो डिफ़ॉल्ट है ये पब्लिक रिपॉजिटरी है, पब्लिक ही रखना है, प्राइवेट नहीं करना, क्योंकि मैं पब्लिक इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने कोड पब्लिक को शेयर करना है, तो इसलिए मैं उसको पब्लिक रखूँगा। अच्छा, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन मैं अभी वो देख नहीं सकता क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई किसी कोई सवाल कर रहा है ना, तो आप में से कोई वॉलंटियरली प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिए ग्रुप में। अच्छा, और क्रिएट रिपॉजिटरी का बटन दबा दिया। ठीक है, आसान था, मुश्किल तो नहीं था,
मैं कहाँ पे गया, अपने अकाउंट में गया और मैंने न्यू रिपॉजिटरी करके रिपॉजिटरी का नाम लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी और क्रिएट का बटन दबा दिया, दैट्स इट। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अभी तक, बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये करने के बाद क्या करना है मुझे कि ये जो ये पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, कुछ लोग शायद ऐड नहीं हो पाए हैं क्लास में, पता नहीं क्या चक्कर है। वेल अच्छा, अब ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ये करना है कि इस रिपॉजिटरी को अपने कंप्यूटर में लेकर आना है। अपने कंप्यूटर में लाने के लिए मेरे पास कमांड क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा कॉपी। ये जो इतना ये लिखा हुआ है ना, इसको मैंने राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, ठीक है, आसान है अभी तक। उसके बाद मैं आऊँगा अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ओपन टर्मिनल हेयर। अच्छा, विंडोज़ में ना आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है ओपन टर्मिनल हेयर, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे CMD खोल के ना आप अलग से भी CD करके ऐसे डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, ठीक है। जो विंडोज़ में राइट क्लिक करते हैं आप तो आपको लिखा हुआ जाता है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर या ओपन पावर शेल हेयर, इस तरह करके लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्पॉटलाइट में जाके टर्मिनल ओपन करता हूँ। अच्छा, मैक में इसका नाम टर्मिनल है, विंडोज़ में इसका नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आके मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, डेस्कटॉप पे आके एंटर करने के बाद मैं स्क्रीन को क्लियर भी कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा गेट क्लोन, ठीक है, ये कमांड है, इसको आपको एज ही चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कमांड है ये, गेट स्पेस क्लोन स्पेस और वो URL मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने वो URL पेस्ट करके एंटर किया, आप देखें यहाँ पे ना माई फर्स्ट रिपॉजिटरी के नाम से ये बना हुआ आ गया, ठीक है, ये पहले मौजूद नहीं था ये फोल्डर, ये अभी बना हुआ आया। अच्छा, तो ये बना हुआ आ गया। अब क्या करना है मैंने अगला काम, अच्छा, आपके पास ना ये कमांड जब चलाएंगे आप तो एरर आ जाएगा, ये गेट क्लोन और ये आप पूरा कमांड जब चलाएंगे अपने पास तो आपके पास एरर आ जाएगा। वो आपसे कहेगा कि गेट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है, जब आप चलाएंगे तो ये एरर आएगा आपके पास। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि गिट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो आपने क्या करना है, गिट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। कैसे इंस्टॉल होगा गिट, आपने नया ब्राउज़र खोला, आपने लिखा GIT गिट, ठीक है, सिर्फ गिट लिखना है आपने और एंटर। गूगल पे जाके गिट लिख के आपने एंटर किया तो ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ गई जिसका वेबसाइट का नाम क्या है, git-scm.com। इसके अंदर आपने चले जाना है और इसके अंदर जाके ना ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड का बटन प्रेस करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद शायद आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़े, ठीक है, एहतियातन रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो बस ये इंस्टॉल करना है इसको, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये कमांड दोबारा चलाएंगे गिट क्लोन वाली, तो ये कमांड बिल्कुल इसी तरह से आपके पास चल जाएगी जैसे मैंने आपको अभी चला कर दिखाया, ठीक है, यानी कि वो रिपॉजिटरी क्लोन होकर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फोल्डर को ओपन करना है VS कोड कोड एडिटर में, ठीक है, हम इस कोर्स के दौरान जो कोड एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो VS कोड है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, तो विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले तो CD करके इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है, मैं कहूँगा CD स्पेस, ये कमांड सारी आपको एज इट इज़ चलानी है, ये मैं रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो उससे देख देख के भी आप चला सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा CD स्पेस और MY, ये सही है ना, माई फर्स्ट रिपॉजिटरी नाम है ना इसका। अच्छा, MY लिख के ना मैंने टैब का बटन दबा दिया तो ये ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा। टैब का बटन कहाँ पर होता है, कैप्स लॉक के ऊपर होता है आपके कीबोर्ड में, तो मैंने दो कैरेक्टर शुरू के लिखे और टैब दबा दिया तो ये ऑटो कम्प्लीट हो गया और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने से क्या हुआ, ये उस फोल्डर के अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा, ये फोल्डर मेरे कोड एडिटर में या नोट पैड टाइप की एक चीज़ है उसमें खुल के ओपन हो जाएगा। तो मैंने कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर दिया, ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो गया, कोड एडिटर ओपन हो गया। अच्छा, आप जब ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा,
क्योंकि आपके पास तो ये इंस्टॉल ही नहीं है वीएस कोड, तो वीएस कोड इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। अगर एरर आ रहा है ना ये कमांड चलाने में, अगर कोड स्पेस डॉट चलाने में अगर एरर आ रहा है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीएस कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीएस कोड इंस्टॉल कैसे होगा, नया गूगल खोला मैंने, मैंने कहा वीएस और स्पेस कोड, एंटर। तो ये देखें पहले नंबर पे ये लिंक आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो अलग है और विजुअल स्टूडियो कोड अलग है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कुछ MB का सॉफ्टवेयर है। आपने क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड का बटन दबा देना है। डाउनलोड का बटन दबाएंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट 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 करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करना है आपको, आपने किसी चीज़ को सेटिंग को चेंज नहीं करना है इंस्टॉलेशन के दौरान ना, जो जो सेटिंग वो पूछता जा रहा है वो डिफ़ॉल्ट पे ही उसको रहने देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे उसको इंस्टॉल करना है। तो ये आपका वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आप ये कमांड चलाएंगे कोड स्पेस डॉट, तो फिर आपके पास कोई एरर इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है। अगर स्टिल कोई एरर आता है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में वो एरर का मैसेज शेयर कर सकते हैं, तो आपके फेलो स्टूडेंट्स होपफुली आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, ये हो गया, कोड स्पेस डॉट करते ही मेरे पास क्या आ चुका है, जो मेरा कोड था तमाम का तमाम वो इस कोड एडिटर में ओपन होके आ चुका है। अच्छा, ये क्योंकि एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है, एक एम्प्टी फोल्डर है, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं फोल्डर यहाँ से भी खोल के दिखाऊँ ना आपको, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ये खाली है अंदर से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डॉट गिट बना हुआ है छोटा सा, ये ना डॉट गिट एक छोटा सा बना हुआ है, इसको डिलीट नहीं करना आपने और ना इसको ओपन करके देखना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल, इसको छोड़ देना है इसी तरह, ठीक है। तो डॉट गिट एक छोटा सा बना हुआ रहा है, इसको कुछ करना नहीं है आपने। अच्छा, तो अब आप करेंगे क्या, आपको एक न्यू फाइल बनानी है। देखिए छोटा सा बटन है यहाँ पे, इस पर लिखा हुआ है न्यू फाइल। अच्छा, ये वाला है न्यू फोल्डर, ये वाला है न्यू फाइल, तो आपने न्यू फाइल दबाना है, और न्यू फाइल दबाते ही आपने क्या लिखना है, इस फाइल का कोई ना कोई नाम लिख देना है। मैंने कहा कि माई फाइल डॉट txt, एंटर, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, ठीक है, और मैं टेक्स्ट फाइल में क्या लिखने जा रहा हूँ, मैंने कहा सम कोड, ठीक है, माई फर्स्ट गिटहब कोड, सही है, सेव। अब सेव करने के बाद अब मुझे वापस इसको क्या करना है, इसको वापस मुझे गिटहब में पुश करना है, तो मैं वापस कहाँ आ जाऊँगा, इसको पहले तो कंट्रोल एस करके सेव करना है। देखो सेव की पहचान क्या बता रहा हूँ, देखो ये वाला क्रॉस का बटन है ना, इसको गौर से देखना, जब मैं यहाँ पे स्पेस एंटर किया मैंने, तो देखो ये ना अब ये बता रहा है कि अभी आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। ये गोल्ड डॉट का मतलब क्या होता है, आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा ये सेव हो जाएगी फ़ाइल, ठीक है। उसके अलावा मैं मज़ीद कुछ कोड लिखूँगा, देखो कह रहा है सेव नहीं है, कंट्रोल एस दबाया सेव हो गया। मैंने इसमें से रिमूव किया, ये कह रहा है अभी फिर सेव नहीं है, ठीक है, कंट्रोल एस दबाया सेव हो गया। इसमें ऑटो सेव का भी एक ऑप्शन होता है, अंदर से वो इनेबल हो जाता है, लेकिन मैंने उसको ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव जो है वो ऑफ होता है, तो आपको कंट्रोल एस दबा के सेव करके और फिर उसके बाद करना है। अच्छा, तो ये मैंने एक फ़ाइल बना दी, उसमें कुछ छोटी सी बात लिख दी, और उसके बाद मैंने क्या करना है, अब इसको जो मैंने गिटहब से ये एम्प्टी फोल्डर वापस मंगवाया था ना अपने कंप्यूटर में, इसको वापस मुझे गिटहब में भेजना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस उस टर्मिनल पर आ जाऊँगा, और टर्मिनल पर आके मैं क्या बोलूँगा, इसको क्लियर करता हूँ सबसे पहले, तो ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मैक में चला रहा हूँ क्लियर, clear, ठीक है। विंडोज़ के अंदर clS होता है, ठीक है, clS कमांड होती है, दोनों का मैं बताता जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ पे भी होंगे, अच्छा, और कुछ मैक पे करोगे वो तो सेम है। तो clS लिखेंगे ना विंडोज़ पे तो स्क्रीन क्लियर होती है, लेकिन मेरे पास क्या लिखना होता है, मेरे पास क्लियर है, ठीक है। तो दोनों की कमांड मैं आपको बताता जा रहा हूँ, विंडोज़ की और मैक की। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें लिखना है, देखो, अच्छा, मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, माई फर्स्ट रिपोजिटरी, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कमांड काम नहीं करेगी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लिखना है इसके बाद, मैंने लिखना है गिट एड स्पेस डॉट, एंटर, ठीक है। एक कमांड ये हो गई, दूसरी कमांड गिट कमिट माइनस एम और एक छोटा सा मैसेज डबल कोटेशन में, ठीक है, फर्स्ट कमेंट। ये आप देख रहे हैं कमांड, इसको एज इट इज इसी तरह लिखना है, सही है। जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, जहां पे स्पेस है वहां पे स्पेस देना है। वो स्पेस कहां कहां पर है, गेट स्पेस कमिट स्पेस माइनस एम स्पेस और ये डबल कोटेशन में ये मेरा मैसेज, ठीक है। और ये कमांड लिख के मैंने क्या कर दिया,
एंटर कर दिया। ठीक है, कमांड बिल्कुल सही चल गई है, कोई एरर नहीं आया। इसने बोला कि वन फाइल में चेंजेस हैं आपकी, वन इंसर्शन है, और फाइल का नाम बता दिया कि इस फाइल में चेंज है। अच्छा, उसके बाद मैंने करना है तीसरी कमांड गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन मेल, एंटर। ठीक है, मैंने तीन कमांड यहाँ पे रन की है इसको वापस गिटहब में भेजने के लिए। ठीक है, गिटहब से मंगवाने की एक कमांड गिट क्लोन और यूआरएल, उसके बाद मैंने उसमें उसको कोड एडिटर में खोलने की एक कमांड वो मैंने बताई, उसमें फिर फाइल बनाया, फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखा, अब टेक्स्ट लिखने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद उसमें तीन कमांड ये वाली चलाकर, नंबर एक कमांड, नंबर दो कमांड और उसके बाद नंबर तीन कमांड, ये तीन कमांड चला के उसको वापस गिटहब में भेजा मैंने। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको क्या सिखाया कि आप अपना कोड गिटहब में पब्लिश कैसे करेंगे। अब ज़रा वापस जाता हूँ मैं github.com पे और मेरी इस फर्स्ट रिपॉजिटरी में, और जाकर मैं ये देखता हूँ कि आया कि जो कोड मैंने वहाँ से लिख कर भेजा है अपने कंप्यूटर से, वो यहाँ पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया। इसके लिए मैं रिफ्रेश का बटन प्रेस कर दूँगा, रिफ्रेश का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा मैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, वो वाला कोड आ गया जो मैंने अभी अभी लिख के यहाँ पे पुश किया। ठीक है, मैं इस फाइल को खोलूँगा तो इसमें वही बात लिखी होगी जो मैंने वहाँ से लिख के भेजी है। ठीक है, माई फर्स्ट गेट हब कोड ये लिखा हुआ आ गया इसमें। ठीक है जी, तो मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल आसान है। अच्छा, आपको अभी ये शुरू शुरू में लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा काम है, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए, मैंने अभी बगैर देखे सारा कोड लिखा ना, सारी कमांड मैंने बगैर देखे लिखी। दो से चार दफ़ा जब आप ये कमांड लिखेंगे तो आपको भी इसकी आदत हो जाएगी, आपको ये सारी कमांड्स याद हो जाएंगी ज़ुबानी। तो क्या कहते हैं, अभी आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल ये है नहीं। ठीक है, अच्छा, तो सब लोग ज़रा प्लीज़ बताएं कि ये आप लोगों को समझ में आई जो मैंने सारी बातें बताई हैं, ये हो जाएगा। ये आपको घर से करने के लिए मैंने टास्क दिया है, ये जैसे जैसे मैंने किया ना सेम वही वही काम आपने करना है। ठीक है, और अगली क्लास में जब आप आएंगे तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि जनाब जो रिपॉजिटरी आपने बनाई है घर से उसका ये लिंक, ये कॉपी करें, लिंक यहाँ से कॉपी करें मुझे, और मुझे आप यहाँ चैट में भेज दें ताकि मैं देख लूँ कि आपने वो रिपॉजिटरी बना ली है कि नहीं बना ली है। ठीक है, जैसे ये मैंने भेजा है ना रिपॉजिटरी का लिंक, ऐसे आपने लिंक यहाँ पे मुझे भेजना है अगली क्लास में शुरू में। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी, शुरू होगी जब क्लास, तो ये लिंक मैं आपसे मांगूंगा कि ये लिंक आप मुझे बता दें कि रिपॉजिटरी आपने बना ली है कि नहीं बना ली। ठीक है, अच्छा, अब किसी का कोई सवाल अगर इसमें है यहाँ तक जो मैंने बात बताई है तो वो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम देखते हैं कि बचे हुए टाइम में और क्या कर सकते हैं। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको मिल जाएगी क्लास के आखिर में। सर एक सवाल है जी, प्लीज़। गिटहब के अंदर काफ़ी सारा कमांड्स है, अगेन शायद मैं बाकी स्टूडेंट्स का ज़्यादा कौन सवाल पूछ, जैसे मर्ज है या चेकआउट या ब्रांचेस कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या आप वो सारे चीज़ें जो गिटहब को वेल यूटिलाइज करते हैं हर एक डेवलपर, क्या वो चीज़ें भी साथ साथ सिखाएंगे? अच्छा, वो जो ब्रांचेस वगैरह वाली कमांड है ना कॉम्प्लिकेटेड, वो तो हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। हम इस कोर्स में इतना ज़रूर सीखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने शुरू में आपको इसकी अहमियत बताई है, वैसे ही इस कोर्स का पार्ट नहीं था, ये गिटहब सिखाना इस कोर्स में शामिल नहीं था, लेकिन शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट ज़रूर सिखाना है गिटहब का, इतना सिखाना है कि आप जो भी कोड लिखें वो गिटहब में पुश करें। ठीक है, इतना सिखाना है सिर्फ, ये ब्रांचेस वगैरह मर्ज वगैरह ये मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। हाँ, इसकी मेरी ना एक वो बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गिटहब की, यूट्यूब पर वो डाली थी मैंने, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको वो भेज दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके देख के आप सीख लीजिएगा। ठीक है, असल तो बात होती है शुरू करने की, कि आपको अगर एक दफ़ा चलाना आ गया ना गिटहब तो बाकी की कमांड्स तो आप खुद से भी समझ लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को आपकी जॉब लगेगी, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो गिटहब की इस वक्त वैल्यू जो हो चुकी है वो ऐसी हो चुकी है ना कि जिस बंदे को गिटहब नहीं आता है वो डिवेलपर की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाता है। ठीक है, जो बंदा गिटहब जिसको नहीं आता है वो अपने आप को डेवलपर बोल ही नहीं सकता। तो जितने भी क्लाइंट है ना आपके, चाहे वो आपका बॉस हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हाउस में या सॉफ्टवेयर की कंपनी में आपका बॉस हो, या फ्रीलांस आपने काम पकड़ा है कहीं से वो वाला बॉस हो आपका, या किसी के लिए भी आप काम कर रहे हैं,
वो बाई डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम कर रहा है कि आपको गिट आता है, ठीक है, और आपको वो जब काम देगा ना तो आपको गिटहब का वो दे देगा URL, कहेगा ये मेरी रिपोजिटरी है, इसमें कोड पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसमें फ़लाँ चीज़ ऐड कर दो, इसमें हेडर में जाके फ़लाँ कलर चेंज कर दो, वो ये बोलेगा आपको। वो ये नहीं पूछेगा कि आता है या नहीं आता, वो उसको बाई डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर रहा है कि आपको आता है। और अगर आपने बोल दिया गलती से कि यार ये गिट क्या चीज़ होती है, ये तो मुझे नहीं आती, तो गोया कि आपने फिर कह दिया कि बस आप इमेजिन करें, आप सोचें, इमेजिन करें कि आप टेलर के पास गए और टेलर ने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि यार कैंची क्या चीज़ होती है, मैंने तो पहली दफ़ा नाम सुना है, तो फिर आप क्या उसको कपड़े देंगे अपने सिलने के लिए? कभी भी नहीं देंगे आप। आप कहेंगे यार इसको कैंची का ही नहीं पता है, कौन सा टेलर बना फिर रहा है, या कोई, या कोई डॉक्टर हो, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है ना उसने बोला कि गलती से उसके मुंह से निकल गया कि ये डेंगू क्या चीज़ होती है, डेंगू का तो नाम मैंने पहली बार सुना है, तो आप जो दवा देगा भी ना वो आप घर आके डस्टबिन में डाल देंगे कि यार पता नहीं क्या दे दिया इसने, इसको तो डेंगू का पता ही नहीं है, डेंगू इतना चला हुआ है और इतनी सब लोग मर रहे हैं डेंगू से, आजकल एपिडेमिक हुआ है डेंगू का एक्चुअली फ्लड की वजह से। तो यही वाला हाल अभी गिट के साथ हुआ हुआ है। अगर आप ये बोल दिया ना गलती से भी, आपके मुंह से निकल गया कि गिट नहीं आता मुझे या गिट क्या चीज़ होता है, तो आप डेवलपर ही नहीं है फिर। आप कौन सा डेवलपर है जो गिट नहीं आता भाई, ये कौन सा डेवलपर होता है? तो प्लीज़ जो मैंने आज आपको करके बताया है ये पूरा, ये आप सब लोग अपने हाथ से ये सारी कमांड्स को चलाएंगे और जो आउटकम मेरे पास आया है ऐसा ही आउटकम आपके पास आना चाहिए, ऐसी ही रिपॉजिटरी आपके पास बन के आनी चाहिए जो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाई है रिपॉजिटरी, कि myfile.txt करके मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको गिटहब में भेजा, वो जाके पब्लिश हो गई, आपको मैंने URL भी भेज दिया। आप में से ये सब लोग ना ये URL खोल के देख सकते हैं, ये जो मैंने भेजा है अभी आपको, ये URL खोल के आप देख सकते हैं, आपको भी वो कोड नज़र आ जाएगा जो मैंने अभी अभी लिख के भेजा है गिटहब में, ठीक है। तो ये काम आप सब लोग प्लीज़ ये काम कर लीजिएगा, कोई भी एरर आए, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। बहुत आसान है प्रॉब्लम को पोस्ट करना, आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालेंगे, व्हाट्सएप से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप से आप कैमरा खोल के ना अपने स्क्रीन की फ़ोटो लेंगे आप और शेयर कर देंगे व्हाट्सएप, बस इतनी सी बात है। या अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला है ज़्यादा, तो आप वीडियो ऑन करेंगे, व्हाट्सएप खोल के ना उसमें वीडियो का बटन दबाएंगे आप, और वीडियो का बटन दबा के आप अपनी स्क्रीन की ना रिकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा लंबी मत कीजिएगा 10-15 सेकंड की, और उसमें मुंह से बोलते भी जाएंगे कि यार ये मैं कर रहा हूँ और ये हो नहीं रहा, और सेंड, इतनी आसान सी बात है। तो जितने भी आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे जब आपकी वो वीडियो देखेंगे तो वो देख के आपको उसका जवाब देंगे। अच्छा प्यारे दोस्त, क्लास की जो टाइमिंग है वो 5 बजे से लेके 7 बजे तक है शाम के वक्त, और 3 दिनों में है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि सब लोग ज़ाहिर है इस टाइम पे कमिट होकर आए हैं, और दूसरा ये कि मेरी अवेलेबिलिटी भी इसी टाइम पर है, इससे ना पहले अवेलेबल हूँ मैं ना इसके बाद अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो ये मेरी अवेलेबिलिटी का इशू है असल में, जिसकी वजह से ये टाइम रखा गया, वरना ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश थी कि इसको लेट नाइट रखा जाए ताकि जॉब से आके लोग इसमें शामिल हो सकें, तो लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी का इशू है। जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, जो नहीं ले पा रहे लाइव क्लासेस, नॉट अ बिग डील, नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग की जो मेरी कमिटमेंट है वो क्या है कि आज जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल, यानी कि आज 20th September है, तो 20th September को जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग कल यानी कि 21st September को दोपहर के वक्त तक आपको मिल जाएगी। ये कमिटमेंट है, सही है, क्योंकि सम टाइम वैसे तो मैं फ़ौरन ही अपलोड कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले कोई मुझे ये ना बोले कि सर रिकॉर्डिंग नहीं आई, ठीक है, कल अगले दिन दोपहर तक आपको ये मिला करेगी रिकॉर्डिंग। अच्छा सर, वीक में 3 दिन होगी क्लास? जी प्यारे दोस्त, 3 दिन होगी, TTS डेज में होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जी दोस्त, सर मुझे ये सवाल पूछना था कि जो आप कमांड के थ्रू काम कर रहे हैं वो मैन्युअली भी तो हो रहा था, तो कमांड की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं समझ आई थोड़ी सी। मैन्युअली कैसे हो रहा था? मतलब आप कमांड के थ्रू वो, मतलब हम मैन्युअली नहीं कर सकते जो आप कमांड के थ्रू कर रहे थे? अगर हम कोड जो कोड लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो हम डायरेक्ट गिट को उसके लिंक कर रहे हैं। हम जैसे आपने कहा था कि न्यू आपको जो भी कोड उस पर अपलोड करना हो वो भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो दोनों में फिर क्या मतलब वो फ़र्क रहेगा? अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा देखें सवाल पूछा, इन्होंने ये कहा कि भाई गिटहब में तो फाइल अपलोड गूगल ड्राइव की तरह भी अपलोड हो जाती है ना,
गिटहब में तो ऑप्शन आ भी रहा था वहाँ पे कि अपलोड फाइल ऑप्शन आ रहा था। तो इनका सवाल ये था शहजाद का कि सर आपने डायरेक्ट फाइल को उठा के ड्रैग ड्रॉप करके क्यों नहीं अपलोड किया, कमांड के ज़रिए क्यों किया। अच्छा, इस ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और आप सल्लम की हदीस है कि हुस्ने सवाल आधा इल्म है। तो आप सब लोग कोशिश किया करें कि अच्छे सवाल पूछें, उससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा बल्कि आपके फेलो स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है, वो हेजिटेट हो जाते हैं, नहीं पूछ पाते, तो आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा होगा। अच्छा, तो मैं उसका जवाब आपको बताता हूँ। देखें, जब आप प्रोफेशनली आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वहाँ पे सर्वर का एनवायरनमेंट होता है, और सर्वर के एनवायरनमेंट में स्क्रीन मौजूद नहीं होती है, उसमें माउस मौजूद नहीं होता है, उसमें टर्मिनल का इंटरफेस होता है। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि कमांड से ये काम कैसे होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, एज़ अ डिवेलपर। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप ड्रैग ड्रॉप करते रहेंगे ना, तो अगर आपको फिर लिनक्स के सर्वर पे अगर आपको अपलोड करना है ना, जैसे AWS वगैरह का एक दोस्त ने बताया कि वही, तो AWS के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में, वो हम करेंगे भी, हम खुद भी करेंगे, इस क्लास में भी हम करके देखेंगे वो, ठीक है, तो आपको ये बेहतर आइडिया हो जाएगा जब हम करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास स्क्रीन नहीं होती है, आपके पास टर्मिनल का इंटरफेस होता है, और आपको कमांड के ज़रिए ही तमाम काम करने होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक प्रोफेशनल डेवलपर को गिट कमांड के ज़रिए चलानी आनी चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, किसी और का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। सर, ये जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया अपने, इसके अंदर 400 पार्टिसिपेट है सर। हाँ। तो अगर क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सवाल वगैरह पूछेंगे, और भी बहुत सारे जो पिछले ऐड हुए, तो एक नया ग्रुप नहीं बन सकता सर? नहीं, असल में देखिए, मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। बात आपकी सही है, नया ग्रुप बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे उस ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी ऑनर्स हैं, जो कंपनी अपनी रन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उस ग्रुप में मौजूद हैं। उनको मैं पेड ग्रुप में तो नहीं ला सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में वो सब लोग मौजूद हैं जो मैंने मार्केटिंग कंपेन रन की थी ना फेसबुक पे, तो उससे जो सब लोग आए थे वो वहाँ पर आए हैं। अच्छा, उस पे हर तरह के लोग मौजूद हैं, उसमें बिल्कुल ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका कोई सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रो लेवल के हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ में हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आर्म फोर्सेस के, गवर्नमेंट के सारे लोग हों उससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप सवाल करें उस ग्रुप में, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा चांसेस है ना कि आपको जल्दी जवाब मिलेगा, है कि नहीं है। तो वहाँ पे ऐसे प्रो लेवल के लोग हैं जो आपको जवाब दे सकते हैं, वो आज नहीं देंगे कल आपको जवाब देंगे। फिर दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि कोडिंग होती क्या है, वो भी उस ग्रुप में मौजूद हैं, वो जब आपको देखेंगे ना कि आप सवाल जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, मसले हल हो रहे हैं आपके, और आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो उनको भी आइडिया मिलेगा, उनको भी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि अच्छा यार ये भी कोई फील्ड है, और वाकई यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस ग्रुप को ही आपका डिस्कशन ग्रुप बनाया गया। अच्छा, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि वहाँ पे कोई मार्केटिंग वाले मैसेजेस ना करें, वहाँ पे कोई ऑल फॉल मीम वगैरह शेयर ना करें, क्योंकि पिछले दिनों वो एकदम बहुत सारी तादाद आई थी, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी, आप तंग हो गए होंगे कि यार इतने मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। आप में से भी मैं कुछ दिनों में ना, दो चार क्लासों के बाद, आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को देख के उसका एडमिन बना दूंगा, तो मैं भी एडमिन होऊंगा, आप में से भी कुछ लोग होंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई मीम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ शेयर करता है, तो एज अ एडमिन आप उस मैसेज को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फ़ौरन उसको डिलीट कर देंगे मैसेज को, मसला हल हो गया हमारा, ठीक है। तो देखते हैं अच्छे की उम्मीद के साथ, अगर कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम हो गया तो फिर हम अलग बना भी सकते हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बना सकते, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हम उसी को यूज़ करें ताकि मिलजुल के सब सीखें, सब लोग जवाब दें एक दूसरे का, जो इस कोर्स में एनरोल नहीं भी है वो भी आपकी हेल्प कर पाए, ऐसा हमने सिस्टम बनाया है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज फिर हम ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है जी। चलें फिर, इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में, यानी कल के बाद परसों। अच्छा, इस कोर्स में जो बुक्स फॉलो होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, फ़िलहाल मैं कोई बुक आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है जी। चलें, अल्लाह हाफिज़।